अभी हम बागपत लोकसभा के गांव सराय में हैं और लोहारा सराय में हैं। चुनाव नज़दीक है, गांव दर गांव की यात्रा चली हुई है, तो जो आम जनता है, आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं और आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 2024 में बागपत लोकसभा का क्या मूड है। जनता से बेबाकी से बात करेंगे, पहले सबसे पहले ये युवा साथी हैं हमारे, उनसे बात करते हैं, उनको क्या लग रहा है चुनाव में, किन चीज़ों को देख रहे हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या नाम है जी? टोनी। अच्छा टोनी, तो टोनी भाई चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों को देख रहे हैं आप, किन मुद्दों पर आपकी बार वोट करना चाहते हैं आपकी बार? बहन जी को। कारण क्या है? कुछ नहीं, बस अपनी है, अपने तो सभी है, जो भारत में रह रहा है वही अपना है। हारो जीतो उसको देंगे। मुद्दे होंगे ना कुछ? कुछ नहीं मुद्दे, कौन देख रहा हूँ मैं बताओ। सही कह रहे भाई, ऐसे में कौन देख रहा हूँ मैं बताओ। मोदी जी कह रहे हैं ये चीजें कर दी मैंने देश के लिए, राशन दे रहा बस खाली, और कुछ नहीं। कुछ दिया ही नहीं? कुछ नहीं। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। अच्छा जी, संविधान पूरे, संविधान पूरे बताओ आप, हटा दिया आते बस खाली, मारी एक ही है मायावती बस, और कोई नहीं है। तो कुछ चीजें तो बताओ जो संविधान हटा दिया, सारा कुछ नहीं, राशन दे रहा बस खाली, खा लो पी लो, और नहीं है कुछ काम। संविधान में क्या हटाया? संविधान सारे हटा दिए उनने, बढ़िया का बन रहा पूरा, बढ़िया को दे रहा सारी फैसिलिटी, हमें दी कुछ उनने, गरीब आदमी को बताओ आप। कुछ दिया ही नहीं? कुछ नहीं बताओ, मैं कुछ दिया तो आप बताओ। तो आप ही तो बताओगे, मैं इसलिए तो पूछने के लिए खड़े हैं, इनसे पूछो इस बारे में। और भी मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पे किन पे वोट करेंगे? मुद्दे पे सिर्फ ये है, उनने सारा संविधान हटाया और कुछ नहीं। इस बात से संविधान, वो कह रहे हैं हम तो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम तो इतने सारे देश पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, कुछ नहीं कर रहा। संविधान लगा, लागू करो सर, जो उनने लगाए हमारे भीम साहब ने, उसे लागू कर। पानी तो कहते हैं कि तो मानता हूँ बाबा साहब को, कोई बात हम देंगे उसे वोट, करो सारे उसे वोट देंगे। तो अब तो चुनाव नज़दीक है, अब तो दो ही दिन रह गए बीच में, दो दिन रह गए, पर देंगे नहीं उसे, हम बहन जी को देंगे वोट, चाहे हमारी एक हो, दो हो, चार हो, छः हो, पूरा हमारी पूरा मोहल्ला सब उसको देगा, यही बात नहीं है। देखो ताऊ जी, हाँ जी, क्या नाम है ताऊ जी? वीर सिंह जी। किस तरीके से देख रहे चुनाव नज़दीक आ रहे? हम तो चुनाव देख रहे, ऊपर भी अम्बेडकर बैठा, नीचे अम्बेडकर, हम तो पूरे संविधान के लागू हैं, हमारी मायावती से सिवा और कहीं वोट नहीं जाएगी। क्या दिख रहा अम्बेडकर साहब में? अम्बेडकर ने संविधान लिख गया, उसी के पीछे चले आ रहे, उसी का याद, और किसी का नहीं, और हमें कुछ नहीं। आज तक 60 साल का मैं हो गया, एक गेहूँ का दाना भी ना, राशन भी ना मिला, मैं कैसे कह दूँ? मिला ही नहीं एक दाना गेहूँ का आज तक नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इतना काम कर दिया, मेरे पूरे घर में किसी का राशन कार्ड है ही नहीं, पूरे घर में एक राशन कार्ड नहीं है, बस बैठे प्रभु के ऊपर। बिल्कुल दिए नहीं इसमें, तो योगी जी ने तो फ्री कर रखा, मोदी जी ने तो एक दाना नहीं, राशन कार्ड नहीं तो कौन दे, किसको दे? बनवाया नहीं आपने? बने नहीं बना ही नहीं, बने कर दे, ये तेरे नहीं बनता क्यों? मैं गवर्नमेंट का जमा ही हूँ, सर्विस लग रही, सर्विस गई, अब औलाद तो है, बालक तो है, बालकों का भी नहीं, बालकों का भी नहीं बना, किसी का भी नहीं। तो वोट किस तरह दोगे? वोट मायावती को जाएगी, हम सब अड़ गए। क्या कारण है मायावती तो अभी दिख भी नहीं कहीं? दिखो मत दिखाई दे रही सामने, ऊपर खड़ा अम्बेडकर देख लो मेरी छत पे, ये देख सकते हैं आप, बाबा साहब की इन्होंने फोटो लगा रखी है, और इधर भी कुछ भाई हैं, उनसे और बात करते हैं। हाँ जी भाई जी, यहाँ से हो? मैं तो यहाँ रहते नहीं, मैं बाहर हूँ। तो आते तो होंगे यहीं के होंगे वैसे तो? ना, बाहर के ही हो? बाहर के हूँ। ऑस्ट्रेलिया? नहीं, तिलपनी की साइड का हूँ। तो रहते तो भारत में ही होंगे या बाहर रहोगे? बाहर ही रहता हूँ यार, मैं राजनीति से दूर हूँ बहुत ज़्यादा। नहीं, हम नहीं टिकट नहीं दे रहे, हम ना एमपी एमएलए बना रहे, हम तो ये जानना चाह रहे
कि आप किसको किसको पसंद कर रहे हैं, देश की जनता किसको देख रही, कौन सही रहेगा? तो पार्टी के साथ में जो जीतते है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई भी। अच्छा, उसके साथ जाओगे? कोई मुद्दों पे वोट नहीं करते? नहीं, हम कुछ नहीं, मतलब नौकरी वोकरी की कोई चिंता नहीं है, देश खत्म हो जाए कोई चिंता नहीं, कल देश गलत हाथों में चले जाओ, किसी के हाथों में चले जाओ, कौन से सही गया हाथ बता दो, नौकरी से मिलती जिसके पास पैसे हो, जिसकी जिम्मे 20-25 लाख रुपए 100% नौकरी मिल जाएगी, और जो नहीं पढ़ा लिखा उसे नौकरी नहीं मिल सकती। तो जो पढ़े लिखा ही नहीं नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब जो पढ़े लिखे हैं उसे नौकरी नहीं मिल रही, और जो अनपढ़ है जिनपे डायरी करनी नहीं आती उन्हें नौकरी मिल रही पैसे देकर। आप कह रहे थे मेरे को बोलना नहीं आता, आप तो इतनी अच्छी बात बता रहे। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो क्या लग रहा है आप, जब क्या देख रहे हैं आप, किन मुद्दों पर वोट करना चाह रहे हैं अगली बार? अब देखो क्या बोलते हैं, अहली चुनाव कहे दिन है, तो दिन बीच में आएगी, कल कल कहीं समझो बस, एक दिन कोई से उंगली से जाएगी जाएगी, ये तो है ना, समझ आ गई, चली जाए आराम से, किस दिन उतरना है? अरे मायावती को देखेंगे, किसे डर कोई यार, मायावती से और चुपचाप बैठी बिल्कुल शांत है, ना कोई भाषण है ना कोई रैली है कुछ नहीं, कौन है राम मायावती की तरफ से, कौन है यहाँ, कौन है मायावती की तरफ से? बंसल, बंसल का नाम सुनो, आई नहीं बीच में, कल परसों आए थे, कल हाँ जी रात भी आए थे। अच्छा हाँ, आप देखा आपसे निरोध में प्रार्थना मेरी, मेरा एक तो एक काम, मेरा नहीं बस्ती का काम है, सबका काम है, सब काम ठीक रखा सरकार ने, पर ये बिल 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 जो बिजली का है लाइट का 2000 रुपये आ रहे हैं, ये गरीब आदमी कहाँ से देंगे बताओ आप, अब सरकार को तो देंगे फिर मैं, सरकार की वोट सुनो, बहन जी को दूंगा वोट, बहन जी को दूंगा, बहन जी को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ प्रार्थना मेरी बस्ती की। जी जी जी, चलो इधर चल ले भाई इधर, हाँ जी माधी राम राम, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या लग रहा चुनाव का? चुनाव का हाँ हाँ, वोट किससे दोगे? वोट देंगे अपनी बहन जी को, मायावती को, करवाया तो है नहीं कुछ, किसने मत करवाओ, हमारी जब भी बहन जी है, फिर भी कुछ भी हो भाई साहब उसे ही देंगे, उसे ही देंगे, बहन जी को ही दोगे? बहन जी को ही देंगे, कुछ तो होगा, क्या कारण है? चलो हमारा तो सभी है, अखिलेश यादव भी अपने ही है, हम बहन जी को वोट देंगे अपनी को, बात ये कारण कुछ हो या ना हो, हमारे लिए कुछ दिया हो या ना दिया हो, हम उसको वोट देंगे, मायावती जी को दोगे फिर भी? हाँ जी मायावती को देंगे। कौन लड़ रहा है उनकी तरफ से? हाँ कौन लड़ रहा? गुज्जर दिख है नहीं, और मंसल है, मंसल हाँ बागपत से, गुज्जर ही है हाँ, तो बनाया गुजर तो बात यहाँ की नहीं कुछ है, कैसी है गुजरों की आदत यहाँ की? बढ़िया है, दिक्कत नहीं होती कुछ गुजरों काम में? कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं भाई साहब, गुजरों काम में कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ नहीं कह नुकर दे तंग करें, हो जा अपने में हिम्मत चाहिए बात करने की, और कुछ नहीं, ना गुंडा कर दिया ना कुछ है, जाट हो या गुज्जर हो कोई बात नहीं, ऐसी गांव दर गांव जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जनता का क्या मूड है, धीरे धीरे गांव से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो गांव की आम जनता है जो चौराहों पर चौपालों पर बैठी हुई है उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो आप देख सकते हैं, ताऊ जी ने जो है यहाँ बाबा साहब की तस्वीर को लगा रखा है, और मैं युवाओं से ये निवेदन करूंगा एक बार बाबा साहब को ज़रूर पढ़ें, उनकी जीवनी को ज़रूर पढ़ें, किस तरीके से उन्होंने लड़कर झगड़कर अपने आप को उस जगह स्थापित किया है, देश के संविधान निर्माता में अपने आप को वो लेकर आए हैं, और बड़ा देश का जो दुर्भाग्य कहूँगा जो बाबा साहब को नहीं समझ पा रहे हैं लोग, उनको समझना चाहिए, अपनी कक्षा से बाहर बैठकर वो पढ़ते थे, और आप देख सकते हैं जहाँ तक भी गए पूरी दुनिया में वहाँ तक बेबाकी से बोलते हैं, उनकी एक छोटी सी दो लाइनें हैं, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो आप सभी से निवेदन है पढ़िए ज़रूर, और जो भाई बाबा साहब को पढ़ लेंगे वो समझ सकते हैं, और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्षेत्र में क्या चला हुआ है, बागपत लोकसभा का हम भ्रमण कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद फिर हरियाणा में जाएंगे, जहाँ जहाँ चुनाव होते जाएंगे अपने कोशिश करेंगे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है इसको कवर कर सके, जहाँ चुनाव हो सके वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ भी जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या उन्होंने किया, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया, हरियाणा में अब जाएंगे और कोशिश करेंगे जानने की अब की बार हरियाणा की जनता का क्या मूड है, अभी बागपत में है तो बड़ी अच्छी यहाँ से हमें बातें मिल रही हैं, सुनने को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लगातार आपसे दिखा रहे हैं और लगातार आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहे गांव गुआंड के साथ, जय हिंद
जय भारत।